नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हमारा वाईफाई टी छाला यूट्यूब चैनल। फिलहाल हार्ड्रोन डाटा इंटरप्रेटर के एग्जाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम को लेकर मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा वो कंपटीशन मुझे पंचकूला में दिखाई नहीं दे रहा है। रुझान ही नहीं है बच्चों का यार, क्या हकीकत है, रियलिटी क्या है इसमें। यानी कि आप लोगों ने, हर बार ही कहता हूँ, एक सवाल अक्सर कितनी गलतियाँ वहाँ पर हैं, कितनी गलतियाँ हम कर सकते हैं। अरे भाई, तुम गलतियाँ मत करो, मैं इतनी बार कहता हूँ, गलतियाँ ना करो मेरे भाई। तुम घर पे गलती नहीं करोगे तब जाके वहाँ पे एक दो गलती हो ही जाती है धक्के से, ऐसी बात नहीं है। कोई बच्चा होगा जो 100 की स्पीड लिख के आएगा एक्यूरेसी के साथ, तो इसलिए गलतियाँ ना करें आप बार बार। और कंपटीशन ज़्यादा नहीं पंचकूला, मुझे लग रहा है कि बच्चों के रुझान ही नहीं है। और मुझे दिखाई दे रहे हैं 200-250 के आसपास बच्चे, वही दिखाई दे रहे जो कंपटीशन में। आप कहते सर इतने फार्म भर दिए, कंपटीशन ये है, कुछ भी कंपटीशन है मेरे भाई। अगर आपके अंदर टैलेंट है, मेहनत है, थोड़ा आप तैयारी कर लेते हो, अच्छे से टाइपिंग कर आते हो, अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो टोटल मिला के आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। रुझान कम हो रहा है, भर्तियां और आने वाली है, कंटिन्यू तैयारी रखें अपनी, तैयारी मत छोड़ना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जो बच्चा भी तैयारी करता रहेगा उनका सिलेक्शन होके ही रहेगा। और रिजल्ट तो भैया अभी एग्जाम होए गए पूरे, तब जाके रिजल्ट आएगा दिसंबर में जाके, ठीक है। और मिस्टेक मत करके आओ, मैं यही कहता हूँ। आप बार बार मुझसे यही बात पूछते हैं, मिस्टेक सर कितनी माफ़ है, कितनी माफ़ है। मैं यार तो इन चीज़ों में शर्मिंदा हो जाता हूँ। मुझे ये चीज़ें और कट ऑफ, इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा, मैं जब मैंने आपको बता दिया भैया आप गलतियाँ मत करके आओ, एक दो गलती हो ही जाती फिर भी आप लोगों की, अगर आप घर पे ही 3-4 गलती करोगे तो वहाँ तो भाई गलतियों का कुंदरा लग ढेर लग जाएगा, है ना। तो ऐसा मत करो मेरे भाई। ये कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत आधी सफलता। भले आपका सिलेक्शन अब की बार ना हो, लेकिन ये नहीं कि आप स्पीड का तुम मार ठाए दोगे और कहोगे दो सीट सर हमारी फिर 70 की आई है, फिर बाद में कहोगे सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पर तो सिफारिश चलती है। लिखवा लो, कोई सिफारिश नहीं चलती है। थोड़ी सी मेहनत कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता हार्ड्रोन, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन आपकी लगन और आपका जो हौसला है उसके प्रति होना चाहिए, पॉजिटिव रहो, ठीक है, तैयारी करते रहें, बार बार ये कहता हूँ। और अभी बच्चों को भी देखो एग्जाम देने जाते हैं, अपने चैनल से जो जा रहे बहुत कम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आपको पता है अपने चैनल से ही बच्चे टॉप आते हैं, तो देख लो। अब बच्चों ने फार्म तो भर दिए दाएं बाएं से, लोगों ने भरवा भी दिए, लेकिन उसके लिए स्पेशल तैयारी भी करनी पड़ती है। और हम जो हमारे यूट्यूब पे आते हैं बच्चे तैयारी करते हैं तो लगते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक का यही तरीका मैंने बताया, ना करके आए। और कल किसका एग्ज़ाम है कमेंट करें, आज कौन एग्ज़ाम दे के आया वो भी कमेंट करें भाई, बता दिया करो एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, ठीक है। वीडियो का शेयर करें, लाइक करें।